Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदी। हमारे कुछ कानून साज ECL से खौफ ज़दा और बैरून मुल्क जाने के लिए बेचैन क्यों हैं? की रियासत पाकिस्तान को ताकतवर और इदारों को मजबूत बनाना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है की हुकूमत ने 6 माह में मुर्गी और अंडे के अलावा कुछ नहीं किया है। के बजट नहीं बल्कि सनअती पैदावार बढ़ाने का पैकेज दे रहा हूँ। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देगी, वजीर खारजा। सिंध के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। नून लीग की आजादी मार्च में शिरकत, फजलुर रहमान नवाज शरीफ के मुंतजर। पैरागॉन सिटी करप्शन केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसी। आसिफ अली जरदारी की जेल में सहूलतों की दरख्वास्त, एहतसाब अदालत अडियाला जेल के हुक्काम पर बरहम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस न्यूज ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. एरिया इनक्लेव के एन वस्त में मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, मरगला के पहाड़ों के हसीन व्यू लिए वर्ल्ड क्लास बेहतरीन फैसिलिटीज और एमिनिटीज के साथ 2 और 3 बेडरूम के सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल, हर अपार्टमेंट विला जैसा रोशन और कुशादा। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए ला रहा हूँ एक शानदार प्रोजेक्ट, मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी। तफसीलात के लिए राबता कीजिए शराज बदर 519-807-8771। ईमेल कीजिए shiraz@propertybrothers.com। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा से अपनी सेहत को ठीक रखने या किसी भी पुरानी बीमारी या रोग के बारे सलाह लें। 416-804-1500, 416-804-1500, 2250 बुवेट ड्राइव ईस्ट, यूनिट 601, ब्रैम्पटन। आयुर्वेद दुनिया का सबसे प्राचीन मेडिकल सिस्टम है। घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस, डायबिटीज, कोलाइटिस या फिर त्वचा के रोग जैसे सफेद दाग यानी वटीलेगो, सोराइसिस, एक्जिमा आदि का आयुर्वेद में कैसे होता है इलाज, देखें कनाडा के जाने माने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर वैद्य हरीश वर्मा के साथ। हेल्थ जरूरी है। वैद्य हरीश वर्मा के शो हेल्थ जरूरी है को टीवी चैनलों और यूट्यूब पर देखें और उनसे राब्ता करें 416-804-1500, 416-804-1500। खबर शामिल करेंगे, आपको बताएं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो के सियासी सफर की शुरुआत है, उन्हें सिम कार्ड इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। इमरान खान की हुकूमत ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वो
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल भुट्टो के सियासी सफर की शुरुआत है। उन्हें सिंध कार्ड इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। इमरान खान की हुकूमत ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर किया है। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिंध के अरकान के जहन में कोई तश्वीश नहीं होनी चाहिए। सिंध मुल्क की अहम इकाई है। माजी के किरदार से किसी को इख्तिलाफ नहीं। हुकूमत के तवस्त से कहता हूँ, आइन का एहतराम था, है और रहेगा। वफाकी की हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने देगी। वजीर खारजा का कहना था कि आर्टिकल 149 से मुतालिक वजीर कानून का वजाहती बयान पढ़ा और सुना है। फरूख नसीम ने वजाहत की है कि जो कुछ मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो नहीं कहा। बिलावल भुट्टो से कहना चाहूँगा कि आपके सियासी सफर की शुरुआत है। किसी की दबाव और जज्बात में आकर सिंधु देश की बात करना मुनासिब नहीं। मौजूदा चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो माजी में वफाक की बात करती रही है। हमारा ईमान है हर सिंधी वफाक का साथ देगा, उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं। वाजे कहना चाहता हूँ, मुल्क में सूबाई तासुब की कोई लहर नहीं। कम अज कम आप आज बाहर ये तासुर न दे, आज बाहर ये तासुर न दे कि पाकिस्तान के अंदर ये सूबाई तासुब की लहर में कोई लहर नहीं है। आज मैं दावे से कहता हूँ, चाहे उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो या सिंधी स्पीकिंग सिंधी हो, ये सब महबे वतन है। क्या इनके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत नहीं की? क्या महाजरों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत नहीं की? अपना घर बार नहीं छोड़ा, अपनी जायदादें नहीं छोड़ी, अपने कमरे नहीं छोड़ी? आए कायदे आजम के कहने पर ये महाजर वो तबका है जो हमें, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हम उस कुर्बानी को तस्लीम करते हैं। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि अपोजिशन के एहतजाज से तासर गया, मसला कश्मीर पर प्रोडक्शन ऑर्डर को फौकियत है। सदर की तकरीर पर एहतजाज जारी रहा, अपोजिशन को एहतजाज से नहीं रुका। हम एक दूसरे से सीखना और साथ लेकर चलना है। अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अगस्त में 4 खत भेजे। सिक्योरिटी कौंसिल में बहस आपके सामने पेश करता हूँ। जनेवा में 58 ममालिक से आपके मौकिफ की तायीद की है। वजीर खारजा का कहना था कि भारत प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहा है कि आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। भारत ने मकबूजा वादी में इंसानी हकूक पामाल कर रखे हैं। 17 सितंबर को पहली बार यूरोपियन पार्लियामेंट में मसला कश्मीर उठाया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत ने पूरी दुनिया में इस मसले को उजागर किया है। 27 सितंबर को इमरान खान पाकिस्तान और कश्मीर की आवाज़ दुनिया को पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी के दोस्त बात कर लेते, लेकिन बात को जब इतनी तवालत दी गई कि पूरा जो सदर की तकरीर थी उस पर एहतजाज जारी रहा, उससे क्या हुआ? वो आपका हक है, मैं आपको रोक नहीं सकता। आप कल करना चाहें, आप अभी करना चाहें कर सकते हैं, कौन रोक सकता है आपको? लेकिन उससे तासुर क्या गया? उससे तासुर ये गया कि सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर फोकियत हासिल कर गया कश्मीर का, जो मसला जिस पे दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। दुनिया आज कश्मीर के बारे में फिक्रमंद है, दुनिया की तवज्जो वहां लगी है और आपने प्रोडक्शन ऑर्डर को फोकियत दी है। आपको पूरा मौका मिलेगा, आपने प्रेसिडेंशियल डिबेट पर हर मेंबर को फ्लोर मिलता है जनाबे वाला, बजट की तकरीर में और प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे एवरी मेंबर हैज द राइट टू स्पीक। यू कैन रेज इट ओवर एंड ओवर अगेन इफ यू वांट टू, दैट्स योर प्रेरोगेटिव। कुछ बात करेंगे शहबाज शरीफ की जेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तय किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च में शिरकत का फैसला नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं सपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून की जानिब से JUI के आजादी मार्च में शिरकत का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का आला सदाए का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तय पाया गया कि मौलाना फजल रहमान के आजादी मार्च में शिरकत का फैसला नवाज शरीफ से हतमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। दौरान इजलास मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JUI के सरबरा मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ और दोनों के दरमियान आजादी मार्च के हवाले से बातचीत हुई और बिलावल भुट्टो के मौके पर भी मुशावरत हुई। आजादी मार्च के हवाले से मियां शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने आइंदा चंद रोज में मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया। इजलास में तय पाया कि शहबाज शरीफ मुशावरत मुकम्मल करके नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। ज़राए के मुताबिक बाज़ रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को दीगर रहनुमाओं की तरह आजादी मार्च में शिरकत करने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि अगर कायदीन न गए तब भी मुस्लिम लीग नून के कारकुन मार्च में शिरकत करेंगे।
लाहौर से खबर शामिल करेंगे आपको। बताएं लाहौर के एहतसाब अदालत ने पैरागॉन सिटी करप्शन केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 17 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन सिटी करप्शन केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तौसीह कर दी। अदालत ने ख्वाजा बरादरान को 17 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को 9 रोजा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन के रूबरू पेश किया गया। दौरान समाअत ख्वाजा बरादरान ने बरियत करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ख्वाजा साद रफीक ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि नैब आज तक कोई ठोस सबूत पेश न कर सका, इसलिए इनके खिलाफ केस नहीं बनता, अदालत मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे। जबकि ख्वाजा सलमान रफीक की जानिब से अदालत के दायरे अख्तियार को चैलेंज किया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने मौकिफ अपनाया कि पैरागॉन केस कंपनी के मुतालिक है और नैब अदालत कंपनी के मुतालिक केस नहीं सुन सकती, इसलिए अदालत पैरागॉन सिटी केस की समाअत रोके। समाअत के दौरान स्पेशल नैब प्रोसिक्यूटर ने बरियत की दरख्वास्त पर तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। जबकि ख्वाजा साद रफीक की जानिब से साबिक अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने अपना वकालत भी जमा करवाया। अदालत ने रिमार्क्स कस दिए कि जब रेफरेंस आया तो तब क्यों नहीं आए, अब तो फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है, जिस पर अशर औसाफ ने बताया कि ये तो बारिश का पहला कतरा है, अभी देर नहीं हुई। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 4 रोज की तौसीह करते हुए दरख्वास्त बरियत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। मजीद समाअत 17 सितम्बर को होगी। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जेल में सहूलतों की फराहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि बाद में सुनाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की जेल में सहूलतों की फरहमी से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि बाद में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल हुकाम पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि बेटर क्लास के मुलजिम को ऐसी सहूलत क्यों नहीं दे रहे, जिस पर नुमाइंदे अडियाला जेल ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर AC की सहूलत दी गई। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि हर केस एक नौयत का नहीं होता, कानून जब इजाजत देता है तो AC क्यों नहीं दे रहे, कानून कोई डेकोरेशन पीस नहीं के सजा कर रख दो, रिवायात पर नहीं बल्कि कानून पर अमल करें। आसिफ सरदारी के वकील का कहना था कि वो दिल के मरीज में मुब्तला हैं और उन्हें 7 स्टेंट डले हुए हैं। याद रहे कि आसिफ सरदारी की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया था कि अदालत इजाजत के बावजूद AC की सहूलियत फराहम नहीं की गई। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कराची पर गैर आईनी कब्जे की कोशिश की तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कराची पर गैर आईनी कब्जे की कोशिश की तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान को आज जमहूरियत से आमरियत की तरफ धकेला जा रहा है। जमहूरियत का सफर जवाल की तरफ जा रहा है। गैर जमहूरी कुव्वतों ने हम सब पर हमले किए, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। कठपुतली हुकूमत ने आईन पर हमले किए, मुल्क की मईशत को कमजोर किया, अवाम पर महंगाई का बोझ चला गया। हमने 18वीं तरमीम की सूरत वो 1973 के आईन को बहाल किया और ये कठपुतली हुकूमत और उनके गैर जमहूरी कुव्वतों जो उनके अलायंस है वो मिल के हमारे 18वीं तरमीम पे हमले करते आ रहे हैं। एक तरफ से हमारे बाकी सूबों को भी उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको वसाई नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो डोमेन्स उनके अथॉरिटी पे हैं उन पे हमले करते आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने 18वीं तरमीम की सूरत में आईन को बहाल किया, लेकिन वजीर आजम ने सिंध में कहा कि 18वीं तरमीम के बायस वफाक दिवालिया हो रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वफाक की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत खुद अपना टैक्स जमा नहीं करती, नाहिल हुकूमत की वजह से हर सूबे को कम पैसा मिल रहा है। वफाक की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं, वफाक अपना टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, फेल है।
بالکل یہ نالائق نااہل کٹپتلی حکومت کی وجہ سے ہر صوبہ کو کم پیسہ مل رہا ہے, کم وسائل مل رہا ہے. تو پھر کس کی وجہ سے, کس کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں؟ وفاق کی ناکامی, نالائقی, نااہلی کی وجہ سے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ کی گیس پورے پاکستان کو دی جاتی ہے, لیکن سندھ حکومت پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. گزشتہ روز وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ وہ کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی بھی صورت میں سندھ کے خلاف سازش برداشت نہیں کریں گے. آپ کراچی پر قبضے کی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے مشکل حالات کا سامنا کر کے وفاق کو بچایا, ہم پاکستان بچانے کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے. جہاں سے نیچرل ریسورس آتا ہے, جہاں سے گیس آتا ہے, وہ اس کا لوکیلٹی پہ صوبہ پہ پہلے خرچ ہوگا, پھر باقی جگہ پہ خرچ ہوگا. ہمارا وفاق کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں, وہ جو سندھ کا گیس ہے جو کہ ہم پورا پاکستان کو دیتے ہیں, اسی گیس سندھ میں استعمال نہ ہو, وہ گیس باقی پاکستان میں استعمال ہو, اور آپ لوگ مہنگی قطر کا گیس, ایل این جی کا گیس استعمال کریں. ہر طرف سے آپ کے آئینی حقوق پہ, اٹھارہویں ترمیم پہ, آپ کے ڈیولیوشن پہ حملے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ہمارا وزیر اعظم سندھ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو رہا ہے. ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرام پاکستان, بریکنگ نیوز, ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرام پاکستان. ٹیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارے کچھ قانون ساز ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں؟ کی ریاست پاکستان کو طاقتور اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے 6 ماہ میں مرغی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے, کہ بجٹ نہیں بلکہ صنعتی پیداوار بڑھانے کا پیکج دے رہا ہوں. ثنا قادری, کوکب فاروقی, ذوالفقار, توبہ شکیل, ٹیک ٹی وی پاکستان.